स्टूडेंट, आप लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 का मैथ चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 देखेंगे। यहाँ पे आपको का चमक रहा होगा, ये एक्सरसाइज है 5.1। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले हम लोग ने 1 हम लोग बना चुके, 2 बना चुके, 3 बना चुके, आज हम लोग देखेंगे 4। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सब। अब चलिए हम लोग देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। क्या लिखा है? प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना दिया, एक्स की पावर एन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं हम लोग को क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम लोग को क्या प्रूव करना है कि जो हम लोग को फंक्शन दिया गया ये क्या है, कंटिन्यूअस है, और हम लोग का किस पे कंटिन्यूअस है, एक्स एट एक्स इक्वल टू एन पे, और हम लोग का एन क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग एफ एक्स लिख लेंगे। एफ एक्स कितना दिया हम लोग को, एक्स के पावर एन। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को दिया है, यानी कि एक्स इक्वल टू कितना लेना, एन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन के पावर एन, ये हम लोग का आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने एक बार एफ एन निकाल लिया, अब हम क्या करेंगे, लिमिट लेके करेंगे। लिमिट लेके क्या हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पे देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू एन, एक्स टेंस टू एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एक्स, क्या हो जाएगा एफ एक्स। यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू एन, एफ एक्स कितना हम लोग का, एक्स के पावर एन, एक्स के पावर एन। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, देखिए एक्स के प्लेस में वन पुट करेंगे, सॉरी एक्स के प्लेस में एन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन के पावर एन। देखिए दोनों इक्वल आ गए, ये भी एन के पावर एन, एन के पावर एन। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, जो हम लोग का एफ एक्स होगा, सॉरी एफ एन होगा, वो इक्वल है किसके, लिमिट एक्स टेंस टू एन एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू एन, यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ एफ एक्स, ठीक है, क्या इक्वल आ गया। तो हम लोग को क्या होगा, जो फंक्शन हम लोग को क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू एन, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका,